अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्ट ऑन डिमांड। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू मेथी की खस्ता करारी पूरियां। मेथी के सीजन में इस तरह की पूरियां अगर एक बार बनाएंगे तो बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। ये मज़ेदार सी फ्लेवर से भरपूर पूरियां आप टिफिन के लिए भी बना सकते हैं या चाय के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। इसे हम बनाएंगे गेहूँ के आटे के साथ और कई सारे टिप्स शेयर करेंगे जिसकी वजह से ये ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहेंगे। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो बिना किसी देरी के इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पूरियों के लिए आटा लगाकर तैयार करेंगे। हम लेंगे एक कप गेहूँ का आटा, आधा कप लेंगे बेसन, साथ ही शामिल करेंगे एक पाव कप रवा। इसे ज़रूर ऐड करें, इसकी वजह से हमारे पूरियाँ ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहेगी। साथ ही शामिल करेंगे दो मीडियम साइज के बॉईल किए हुए आलू जिसे ग्रेट कर लिया था। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। साथ ही 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 हरी मिर्चों को दरदरा ग्राइंड करके ऐड करेंगे। हरी मिर्चें इसमें ज़रूर ऐड करें, पूरियों में हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई फ्रेश मेथी 1 कप और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे जिसकी वजह से पूरियां खस्ता बनेगी। पहले इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जब इस तरह से मेथी और आलू का थोड़ा सा मॉइस्चर कम हो जाए और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक डो बनाकर तैयार करेंगे जिस तरह से हम रोटियों के लिए बनाते हैं। 4 से 5 मिनट के लिए डो को अच्छी तरह से गूंदेंगे। सरफेस पर ऑयल लगाकर इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट के बाद आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है और जो रवा हमने इसमें ऐड किया था रेस्ट लेने की वजह से ये थोड़ा फूल गया है और आटा हमारा थोड़ा सख्त हो गया है। बस इसी तरह का डो हमें चाहिए। अब छोटा छोटा पोर्शन लेकर पूरियों के लिए पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। जितने साइज़ की पूरियाँ आपको रखना है उस हिसाब से पेड़े तैयार कर लें और जितना डो हमने तैयार किया है इतने में हमारे 18 पूरियाँ बनकर तैयार होंगी। अब सरफेस पर थोड़ा ऑयल लगाएंगे और एक पेड़ा लेकर इसे बेलेंगे। आप चाहे तो इस पर सूखा आटा लगाकर भी बेल सकते हैं। पूरियों को बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे वरना ये पूरियां फूलेगी नहीं और अगर पूरियां मोटी बनाएंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो इसकी थिकनेस हमें मीडियम ही रखनी है। सारे ही पूरियां एक साइज के बने इसलिए हमने इस तरह से कटर से शेप दिया है। आप चाहे तो बिना कट किए ही इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे ही पूरियां बेलकर रख दिए थे। आप चाहे तो साथ के साथ बेलते जाएं और इसे फ्राई करते जाएं। तेल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए इसमें पूरी ऐड कर लेंगे। पूरी तेल में डालते ही इस तरह से ऊपर आनी चाहिए। अगर आप ठंडे तेल में ही पूरी डाल देंगे तो इसमें ऑयल जज्ब होने लगेगा और पूरियां ऑयली बनेंगी, इसलिए तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। पूरी डालने के बाद इस तरह से प्रेस करते हुए इसके दोनों साइड से इसको फ्राई कर लेंगे और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से फूल गई है और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। और इसी तरह से तमाम पूरियां फ्राई करके तैयार कर लेंगे और आप देख सकते हैं सारी ही पूरियां बहुत अच्छी से फूली फूली बनी हैं। इसमें जो आलू और मेथी का फ्लेवर था वो बहुत ही अमेजिंग था। तो एक बार इस फ्लेवर से भरपूर पूरियों की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करें। हमारी वीडियोस को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।